दोस्तों शुरू करते हैं एक और व्लॉग को, और आज हम फिर से जो है नाइट आरएफ पे निकले हैं, मतलब रात के शिकारी ठीक है। और आज की ट्रेन अलीगढ़ जाएंगे आज, पहले रात के शिकारी ट्रेनों पे भारी रात के शिकारी ट्रेनों पे भारी, तो इस बार कंबल नहीं है, इस बार ये है ठीक है ओके। तो पिछली बार हमने अटेम्प्ट किया था खुर्जा का, और चीज़ें ऐसी सोची थी एग्जीक्यूट वैसी हो गई थी, चलो थोड़ा मौसम ने गड़बड़ाया था लेकिन हमें ठीक लगा, कंफर्ट था। तो अब हम थोड़ा और आगे निकलते हैं, अब की बार अलीगढ़ ट्राई करते हैं। और एजाज में सबसे अच्छी बात पता क्या है, आज एक साल बाद फिर से वही नाइट आरएफ, सेम ट्रेन, वही ट्रेन, वही ब्रह्मपुत्रा, लेकिन आज हम इतने आराम से बैठे हुए, इतने आराम से घूम फिर रहे हैं। और उस दिन क्या हो रखा था, तो उस दिन भी स्लीपर ही कोची हमारी, और उस दिन ऐसा लग रहा था वो जूस निकलने में स्लीपर नहीं था, स्लीपर था, जनरल रहा था, हमने जनरल में जाना था और लेकिन हमारी हालत ऐसी हो गई थी कि हमें इसमें आना पड़ा। वो मार्च का महीना था और 2 साल होली थी, 2020 के होली में तो लॉकडाउन नहीं लगा था, कोविड जस्ट कोविड से पहले की तो बात है, कोविड से एक महीने पहले की बात है। हाँ मतलब समझ लो वो ट्रिप करके आए, लॉकडाउन लगा है, लेकिन मजा बड़ा आया था। और आज देखते हैं आज कितना और मजा आता है। जो दोस्तों सही टाइम पर हम निकलते हैं ब्रह्मपुत्रा मेल में पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से। और ये दोस्तों ऐसा पहला नाइट आरएफ का प्लान था जिसको बहुत पहले से टिकट विकेट करा के रख लिया था। जी हाँ दोस्तों, करीबन 1.5 महीना पहले से एजाज भी और मैंने जो है टिकट्स अपनी बुक करा ली थी। अब दोस्तों आपको एक बात पता है कि सब कुछ छोड़ सकता हूँ मैं, चाहे कितनी भी रात हो रही हो ठीक है, मैं दिल्ली शाहदरा स्टेशन का स्किप नहीं छोड़ सकता कभी। बड़ा ही अजीब सा लगाव है मुझे इस रेलवे स्टेशन से, देखिए आप लोग। और दोस्तों कहने को ब्रह्मपुत्रा मेल कोई बहुत ज़्यादा लग्जरी टाइप गाड़ी में नहीं आती, बट फिर भी गाज़ियाबाद का स्किप देती है आपको, तो आप गाज़ियाबाद का स्किप भी एंजॉय कर सकते हो। पानी पीने तो सही है, हाँ जी पीजिए सर। तो दोस्तों हम यहाँ पहुँच चुके हैं और यही हमारा स्टॉप है, और एजाज भाई दिखाते हैं हम आपको। तो दोस्तों खैर बिना ज़्यादा वक्त लिए हुए हम पहुंच जाते हैं अपने अलीगढ़ जंक्शन, जहां पे आज की पूरी रात शेड्यूल्ड है। और इसके अलावा एक सरप्राइज़ और है, हमने नाइट आरएफ के साथ साथ एक चीज़ और प्लान करी है जो कि व्लॉग में आगे जाके आपको जो है बताऊंगा। खैर अलीगढ़ जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे हमको लगा दिया जाता है, और यहाँ से जो सो शुरू होता है ना सिलसिला धनाधन बैक टू बैक प्लेटफॉर्म स्किप्स का और अराइवल डिपार्चर का, वो दोस्तों अलग ही लेवल पे लेके चला गया सच में। अगर आप भी रिल फेलिंग वगैरह करने में इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर से इस स्टेशन को ट्राई करना। दोस्तों अभी एक वीडियो मैं प्ले करूंगा जहां पे आपको एक ट्रेन की अनाउंसमेंट सुनाई देगी। दोस्तों उस अनाउंसमेंट को जरा ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा कि क्या कोई सेंस है इस अनाउंसमेंट का, क्या बताना चाहती है अनाउंसमेंट लोगों को। Thank you.
तो दोस्तों हम दो शिकारी लगे हुए हैं यहाँ पर अलीगढ़ पर। ऐसा भी मज़ा कितना आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है भाई। एक्सपेक्टेड था नहीं इतनी सारी गाड़ियाँ मिलेंगी। मैं लाइफ में अपनी दूसरी बार आया हूँ नाइट आर के लिए। कुछ आया था पिछला लास्ट टाइम तो कबाड़ा हो गया था दो साल पहले। दोस्तों हरा सिग्नल हो रखा है, गोरखधाम आ रही है, बाद में मिलते हैं। ठीक है, अभी बिहार संपर्क निकाली हम लोगों ने। तो दोस्तों यही नाइट आरएफ करते करते लगभग सुबह के 4 बज जाते हैं। एजाज भी और मेरे को थोड़ी सी भूख लगती है। हमने सोचा कि चलो बाहर चलते हैं, कुछ ब्रेकफास्ट ढूंढते हैं, कुछ मिल जाए तो हमें ब्रेड ऑमलेट वाला मिल जाता है स्टेशन के जस्ट बाहर ही। ये स्टेशन है, स्टेशन के जस्ट बाहर ही हमको ये ब्रेड ऑमलेट की थैली मिल जाती है। थोड़ी बहुत चाय वगैरह की दुकान है इधर, आप देख सकते हैं। तो मिस भाई से कहते हैं फटाफट दो ऑमलेट बनाओ बढ़िया से। 200 मात्र 30 रुपये का एक ऑमलेट देता है ये आज के ज़माने में भी, ठीक है। और सबसे स्पेशल बात पता है ये भाई क्या बता रहा, कि ये शाम को मतलब रात को 7-8 बजे के आसपास लगाता है और इसका काम ये है कि ये पूरी रात लगाता है। ये शाम वाली जो ऑमलेट की रेडी है वो है ही नहीं। और सच में दोस्तों अगर आप कभी नाइट आरएफ पे आओ ना तो यहाँ पे खा सकते हो, काफ़ी टेस्टी मुझे चीज़ लगी। तो हम लोगों ने सुबह 4 बजे दो ऑमलेट और चाय के साथ इंजॉय करा सुबह का ब्रेकफास्ट। अब दोस्तों आजकल अगर हम लोग कभी भी जो लोग अगर ट्रेन की वीडियो वगैरह के लिए निकलते हैं तो उनका एक वो रहता है कि वैक 12 मिल जाए, शक्तिमान देखने को मिल जाए। एंड मैं आपको क्या बताऊँ, एक छोड़ो हमें बैक टू बैक दो शक्तिमान मिले और इस पूरे वीडियो के अंदर तो 3 शक्तिमान मैं आपको दिखाऊंगा बैक टू बैक। वो अपने आप में चीज़ गजब थी। तो दोस्तों उसके बाद नंबर लगता है पटना राजधानी का। अब जब ये व्लॉग बना रहा हूँ तो उस वक्त पटना राजधानी तेजस नहीं हुई थी, जस्ट उससे एक दिन पहले की दोस्तों रिकॉर्डिंग है। ये लास्ट रन आप देख रहे हैं मेरे साथ वीडियो में पटना राजधानी ओरिजिनल लिवरी का। दोस्तों इसके बाद शुरू करते हैं वो सरप्राइज जो मैं आपको बता रहा था कि मैंने रखा है लास्ट के लिए। तो अलीगढ़ से आरएफ करने के बाद हमारा प्लान होता है दाऊद खान नाम के एक स्टेशन पे जाने का, जो कि अलीगढ़ से आगे की तरफ पड़ता है एक, अगर आप दिल्ली से कानपुर जाएं तो हम लोग एक ऑटो करते हैं जो कि हमसे चार्ज करता है दोस्तों 450 रुपये फॉर वन साइड। पर दोस्तों कुछ कर भी नहीं सकते थे बिकॉज कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, ना ही बस ना ही ट्रेन, तो हमको जो है ऑटो करके ही जाना पड़ा। फिर रास्ते में दोस्तों हमें क्रॉसिंग मिलती है बहुत ही बढ़िया सी, जो कि है शिवगंगा एक्सप्रेस के साथ में, जो कि बनारस से नई दिल्ली के बीच में चलती है। तो हम रास्ते में ऑटो रुकवा करके पहले वो वीडियो शूट करते हैं। अब दोस्तों अलीगढ़ से दाऊद खा के रास्ता इतना ख़राब था ना, जहाँ से ऑटो वाला लेके गया, मतलब मैं सोच रहा था भाई ऑटो गिर ना जाए। आप देखो किस तरीके के नदी नाले यहाँ पे बने हुए हैं, मतलब बड़े ही खतरनाक से रास्ते में और ख़तरों का खिलाड़ी बना करके हमको जो है लेकर गया था ये ऑटो वाला। बट सबसे अच्छी बात पता है क्या रही, कि हमने करीबन 2.5 या 3 घंटा दाऊद खा पे आरएफ करी तो ये ऑटो वाला हमारे लिए वहाँ पे खड़ा रहा। इसने कहा कि सर मैं आपके लिए खड़ा हो जाऊँगा बिकॉज आपको यहाँ से अलीगढ़ वापस लेके जाने के लिए ना कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो भाई ये इस बंदे के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ थी। अब दोस्तों जिस दिन हम लोग यहाँ गए हुए थे, अब आप देखिए कि EMU आती है
और जो रेलवे प्रशासन था वो एक बड़ा ही गलत डिसीजन ले रहा था मेरे हिसाब से, हालांकि उसकी कोई वजह भी हो सकती है। देखिए डाउनलाइन जो है दोस्तों एक मालगाड़ी से ब्लॉक पड़ी हुई है, तो जो EMU है उसको मेन लाइन पर रुकना पड़ता है, और जो भी लोग होते हैं जिनको भी इस ट्रेन में चढ़ना होता है, और दोस्तों वहाँ पे स्टेशन पे सभी लोगों को इस तरह से प्लेटफॉर्म क्रॉस करके बीच में आके जो है चढ़ना होता है। अब यहाँ पे सबसे खतरे की बात क्या है दोस्तों कि ये लोग एक मेन लाइन के ऊपर खड़े हुए हैं, सामने से ट्रेन भी आ सकती है, यानी कि मैं टूवर्ड्स जो अलीगढ़ से आने वाली गाड़ी होगी उसकी बात कर रहा हूँ, तो वो एक बहुत बड़ा खतरा था। अब वजह क्या रही थी तो मुझे नहीं पता, बट ये सिनेरियो देख के सच में बहुत अजीब लग रहा था। अपना ऑटो वाला मेरा सामने दोस्तों इसके बाद आती है भागलपुर आनंद विहार गरीब रथ एक्सप्रेस। देखिए आप तूफानी तो ये हम हैं दाऊद खां स्टेशन पर, और कैमरा मेरे पे फोकस नहीं कर रहा है, अब कर लिया ठीक है, और थोड़ा सा स्टेशन से बाहर की तरफ बट एक सेफ डिस्टेंस पे ठीक है। चलिए और मज़ेदार बात दिखाऊं आपको, देखो मेरे पीछे ये है डीएफसी बोले तो ये कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, मतलब ये मुझे स्टाफ क्वार्टर टाइप कोई जगह लग रही है, तो वो है, और डीएफसी मेरे साथ साथ चल रहा है ये रहा इधर की तरफ, और ये रहा पीछे पूरा नज़ारा। अच्छी चीज़ पता है क्या लगी, मतलब थोड़ा सा स्टेशन से ऑफ आने का क्या कारण है वो है ये हरियाली, देख रहे हो मेरे भाई हरियाली, इतना लेवल ऑफ हरियाली यहाँ हो रखी है। अभी सुबह के 7:45 बज चुके हैं और मज़ा आ रहा है। अच्छी चीज़ क्या है, धूप अभी नहीं निकली है भाई साहब, धूप नहीं निकली है, और दोस्तों इन सब के बाद जो गाड़ी आती है उसको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ।
तो दोस्तों फाइनली सारे ट्रिप के बाद हम लोग वापस आ चुके हैं और अलीगढ़ जंक्शन, और थोड़ा सा ब्रेकफास्ट हो जाए यहाँ पर, आप देख सकते हैं कचौड़ियाँ क्योंकि वो भी ज़रूरी थे। अभी आप मेरा हाल तो देख ही सकते हो, मतलब कुछ ज़्यादा भी ख़राब नहीं हुआ है, बट आरएफ में बहुत मज़ा आया, एक नई चीज़ एंजॉय करी। एंड नाइट आरएफ ना एक अलग ही सुरूर होता है, एक अलग ही मतलब मज़ा होता है नाइट आरएफ का। और प्लान्ड नहीं था नाइट आरएफ करना, ओरिजिनली इट वाज प्लान्ड कि नहीं दी ये अलीगढ़ के वेटिंग हॉल के अंदर जो है रात काटेंगे एंड देन सुबह 4 बजे दाऊद खान निकल जाएंगे, बट विद अरेंजमेंट्स एट अलीगढ़ हमको नाइट आरएफ एंजॉय करने का मौका मिला, जो कि अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। अभी गोमती आ रही है और गोमती में हम लोगों ने जो है एसी करवाया। रीज़न इज़ कि ऑल तो छोटा सा सफ़र है, 200 किलोमीटर से भी कम का सफ़र है, लेकिन हमने एसी सिर्फ इसलिए बुक करवाया है ताकि सोते हुए चले जाएँ। स्पेसिफिकली मैं जो कि कल सुबह ऑफिस गया था, फिर ऑफिस करके एंड 1 घंटे का रेस्ट करके मैं घर से निकल गया स्टेशन के लिए, देन ट्रेन पकड़ के यहाँ पूरी रात फिर जगा हुआ हूँ, तो मेरा लेवल ऑफ टायर्डनेस एक अलग लेवल पे जा चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा नाइट आरएफ का, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी मेहनत किसी भी तरीके से आपको अच्छी लगी दोस्तों, तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं शुभम कुमार अलविदा लेता हूँ, मिलूँगा आपसे बहुत जल्द एक और ब्लॉग में।